तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आजकल इंटरनेट की मदद से पैसे कमाना भी मुमकिन हो गया है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम घर बैठे इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। उन सभी तरीकों में से एक तरीका है बिटकॉइन, जिसकी वजह से हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आप में से कुछ लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता होगा और जिन्हें बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज उन्हें इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। जी हाँ, आज मैं आपको बिटकॉइन क्या चीज है इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे बाकी करेंसीज होते हैं रुपी, डॉलर इत्यादि, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को ना हम देख सकते हैं और ना ही उसे पैसों की तरह छू सकते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वैलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सातोशी नाकामोतो ने 2009 में किया था, तब से ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या अथॉरिटी या सरकार नहीं है, यानी कि कोई इसका मालिक नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका भी कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन का इस्तेमाल आखिर किया क्यों जाता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। बिटकॉइन P2P नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजेक्शंस में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, एंटरप्रेनर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इत्यादि, और इसी की वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं तो बैंक्स के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं और हमारे किए गए हर ट्रांजेक्शंस का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहाँ और कितने खर्च किए गए हैं। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई भी मालिक नहीं है, इसलिए उसके साथ किए गए ट्रांजेक्शन्स एक पब्लिक खाते में रिकॉर्ड होकर रहते हैं, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन भी कहा जाता है। वहां पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजेक्शन डिटेल स्टोर होकर रहते हैं और वहीं ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं। दोस्तों आइए तो अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के आज के रेट के बारे में। बिटकॉइन की वैल्यू आज के दिन में करीबन $53,836 है, मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू करीबन 40 लाख है। इसकी वैल्यू कम या ज्यादा होती रहती है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू इसके डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है। दोस्तों आइए अब हम आपको बिटकॉइन इस्तेमाल करने के फायदे बताते हैं। पहला फायदा यही है कि यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन फी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। दोस्तों और दूसरा फायदा बिटकॉइन का यही है कि बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी भेज सकते हैं और बिना किसी परेशानी के। दोस्तों हमने अब तक आपको बिटकॉइन के कुछ फायदे बताए, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बिटकॉइन इस्तेमाल करने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो आप बिटकॉइन इस्तेमाल करने से पहले सचेत रहें। पहला नुकसान यह है कि यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है, तो इसके वजह से बिटकॉइन की कीमत बढ़ती और घटती रहती है, तो ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। अगला नुकसान यह है कि अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइंस खो देंगे और इसे वापस भी नहीं ला जा सकता और इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। दोस्तों हमारी ये बिटकॉइन के ऊपर वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।